बिहार के एक थाने में एसपी साहब भेष बदलकर पहुंच जाते हैं। सर सर कहते हुए थाने में आम आदमी की तरह फरियाद करते हैं, लेकिन एएसआई उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है और आवेदन लेने से इनकार कर सुबह आने की बात कहता है। अब सोचिए एसपी साहब ने उसके बाद क्या किया होगा। दरअसल बिहार के रोहतास एसपी आधी रात में पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जो उनके साथ होता है उसके बाद की कहानी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल बिहार में पुलिस की कार्यशैली हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। यही कारण है कि लोग पुलिस से मदद लेने के बजाय कन्नी काटते नजर आते हैं। पुलिस किस तरह आम लोगों की समस्याओं को अनदेखा करती है, इसका ताजा उदाहरण सासाराम से सामने आया है। दरअसल जिले के एसपी विनीत कुमार अपने पदस्थापन के बाद से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य रात में पुलिस की चौकसी को दुरुस्त करना है। एसपी के लाव लश्कर के साथ रात को निरीक्षण करने के निकलने की सूचना पर पुलिसकर्मी पूर्व से ही सावधान हो जाते हैं। इसके चलते लगभग रात के 1 बजे एसपी साहब कुछ अलग अंदाज में निरीक्षण करने के लिए निकले, जिसके बाद नगर थाने में तैनात पुलिस की पोल खुल गई। दरअसल देर रात एसपी भेष बदलकर सासाराम नगर थाना पहुंचे। इस दौरान एसपी की मुलाकात ऑन ड्यूटी पदाधिकारी एएसआई रामविलास राम से हुई। हाथ में आवेदन लिए एसपी ने पुलिस अधिकारी को बताया कि वो डेहरी के रहने वाले हैं और वाराणसी से आने के दौरान कचहरी मोड़ के पास कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद मोबाइल और रुपए छीन लिए। इसकी उन्हें शिकायत दर्ज करानी है। इसके बाद ओडी पदाधिकारी ने उन्हें सुबह आकर रिपोर्ट लिखवाने की बात कहकर चलता कर दिया, जिसके बाद एसपी थानाध्यक्ष के पास गए और अपनी समस्या बताकर मदद की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष ने भी एसपी को सुबह ही आने को कहा और उन्होंने भी उन्हें चलता कर दिया। नगर थाना से निकलकर एसपी ने सीधे डेहरी नगर थाना का रुख किया। रात के 2 बजे एसपी आवेदन लेकर थाने में पहुंच गए। अपने साथ पाली रोड में हुई छिनतई और मारपीट की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने का आग्रह भी किया। पहली बार में तो पुलिसकर्मी टाल मटोल करते रहे, लेकिन इसके बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने उनकी बात सुनी और घटनास्थल पर पेट्रोलिंग टीम को भेजा। पेट्रोलिंग टीम ने वहां कोई घटना नहीं होने की जानकारी थाने को दी। थाने में मौजूद अधिकारी ने एसपी का आवेदन लेकर रख लिया और अगले दिन प्राथमिकी कर सूचित करने का भरोसा दिलाया। हैरानी की बात ये रही कि इस पूरी घटनाक्रम के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी एसपी को पहचान नहीं पाया। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि इस प्रकार का निरीक्षण भी जांच का ही एक हिस्सा है। रात में भी आमजन की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और होती भी है। इस प्रकार का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। पहली बार के निरीक्षण में सबको मुस्तैद से ड्यूटी निभाते देखा गया और जिन्हें ड्यूटी निभाते नहीं देखा गया उन्हें कड़ी हिदायत दी गई। आगे अगर लापरवाही पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोग जो थाने में तैनात हैं और वो पब्लिक की बात नहीं सुनते हैं, पब्लिक की समस्याओं को सुनने के बाद टाल मटोल करते हैं, तो वैसे शिकायतों पर या वैसी परिस्थिति में उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, ये एसपी ने साफ साफ कह दिया है। एसपी चूंकि आम आदमी बनकर थाने में पहुंचे थे, उन्हें कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन इस दौरान एक बात साफ हो गई कि आम आदमी को कितनी परेशानी थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाने में होती होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।